हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर्स 2022 के एक और डिपार्टमेंट के बारे में जिसका नाम है सीजीडीए, या दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और इसका काम है सीएसडी कैंटीन्स यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, डिपोज हैं, उनका ये ऑडिट करता है और उनके अकाउंट्स की देखरेख करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें कुछ सवालों का आंसर करेंगे। जैसा कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में पूछा था कि सर, इसका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो क्या है, कितने सालों में ट्रांसफ़र होता है और डेली पोस्टिंग मिलती है या नहीं मिलती, तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सीजीडीए डिपार्टमेंट है इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है। इट मीन्स आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल भी गई तो आप लाइफ टाइम दिल्ली रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पोस्टिंग, आपका जो ट्रांसफ़र है वो टाइम टू टाइम होता रहता है, लेकिन हाँ ये है कुछ सालों बाद ही होता है, तुरंत नहीं होता। तो इसका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि आप किसी भी स्टेशन पर जब पोस्ट होते हैं उसके बाद लगभग 3 साल आपको रेगुलर सर्विस वहाँ करना पड़ता है। उसके बाद आपसे कुछ ऑप्शंस मांगे जाते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, तो आपके ऊपर है। आप चाहें तो अपना होम स्टेट प्रेफर कर सकते हैं ऊपर, अगर वहाँ वैकेंसी हुई तो आपको वहाँ भी ट्रांसफ़र मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो कुछ सालों के लिए ही होगा, तो इसलिए पहले बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि लाइफ टाइम पोस्टिंग एक ही जगह रहेगी, वो भी सीजीडी डिपार्टमेंट की, ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है या नहीं मिलती, तो हाँ भाई, दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है क्योंकि दिल्ली में भी वैकेंसीज होती हैं इस डिपार्टमेंट की। तो मैं स्टेट वाइज वैकेंसीज भी बताना चाहूँगा कि इस बार सीजीडीए में कितनी वैकेंसीज स्टेट वाइज हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, असम में आपकी 3 वैकेंसी है, बिहार में 5 है, दिल्ली में 29 है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है, दिल्ली में, तो आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2 है, कर्नाटका में 8 है, महाराष्ट्र दादर नगर हवेली इसमें हो टोटल 15, मध्य प्रदेश में 3 है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में 6 है, ठीक है, राजस्थान में 1 है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 है, तेलंगाना में 5 है, उत्तराखंड में 1 है और उत्तर प्रदेश में 16 है, वेस्ट बंगाल में 1 वैकेंसी है। तो ये रहा आपका स्टेट वाइज वैकेंसी का चार्ट जो कि सीजीडीए डिपार्टमेंट के द्वारा रिपोर्ट की गई है, ठीक है। और दूसरी बात, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। आप इसमें SAS 1 और SAS 2 का एग्ज़ाम दे करके AA तक बन सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स आपके पास प्रमोशन वाइज तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। दूसरी बात, आपको ये है कि समय समय बाद अलग अलग स्टेट्स में काम करने का मौका मिलेगा, तो आप ये भी है कि एक जगह लंबे समय तक पोस्टेड नहीं रहेंगे तो आपके साथ जो बोरियत वाली बात है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है वो खाली ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स की रिक्रूटमेंट होती है, ग्रेड सी की इसमें कोई वैकेंसी डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं होती है SSC के द्वारा। तो आप अगर आपके मन में कोई डाउट है कि ग्रेड सी की भी वैकेंसीज है, तो नहीं है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ग्रेड डी की वैकेंसी होती है 2400 पे ग्रेड वाली, उस पर जब आप 5 साल लगातार सर्विस करते हैं तो आप प्रमोशन के लिए 4200 पे ग्रेड पर एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि एग्जैक्ट 5 साल बाद आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता क्योंकि वैकेंसीज जल्दी से खाली नहीं होती हैं, और वैकेंसीज जैसे जैसे खाली होती हैं उस हिसाब से आपका प्रमोशन आगे किया जाता है। और वैसे भी इस समय देखेंगे तो आप SSC के ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में 2400 से 4200 10 साल का है, तो आप इसमें भी लगभग वही सेम है। बट जो मैंने रूल बुक्स में पढ़ा था उसमें ये था कि 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अगले प्रमोशन के लिए, ठीक है। इट मीन्स आप ग्रेड डी से ग्रेड सी की ओर 5 साल बाद जा सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी वैकेंसीज। अगर वैकेंसीज हैं तभी आपको प्रमोट किया जाता है, अदरवाइज आपका इंक्रीमेंट होता रहता है और आप सेम पे स्केल पर बने रहते हैं, ठीक है भाई। और एक बात और भी बताना चाहूँगा इसके साथ, आपको एडिशनल जो बेनिफिट है वो ये है कि जिस प्रकार से AFHQ में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैंटीन कार्ड मिलता है ग्रॉसरीज़ के लिए, ठीक उसी प्रकार आपको CGDA में भी कैंटीन कार्ड मिलता है, जो कि एक एडिशनल बेनिफिट्स है इन कंपेरिजन ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक। आप इस कैंटीन कार्ड से मतलब ऑल ओवर इंडिया किसी भी आर्मी कैंटीन से शॉपिंग कर सकते हैं, प्लस आप ऑलमोस्ट लगभग 5,500 से 6,000 रुपये तक की पर मंथ आप ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ ग्रॉसरी बल्कि कुछ अप्लायंसेज वगैरह भी होते हैं,
वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, और जो बाज़ार के रेट हैं उससे आपको कम रेट में ही आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपको ये भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आपका आई कार्ड होगा उसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखा होगा, रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आप समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेवल होना ही आपस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ अगर आप चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को चूज़ करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हाँ, वर्कलोड की बात करूँ तो वर्कलोड भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं एडिशनल आप चाहें तो इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं खुद इसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी भी पोस्टिंग CGDA के थ्रू मुंबई में हुई है। तो मैं समझता हूँ अभी तक का जो मेरा 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस रहा है उस भी आप मैं यही कहूँगा कि आप इजीली इस डिपार्टमेंट में एडिशनल पढ़ाई कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप विलिंग हैं आगे पढ़ने के लिए तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी रहेगी, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बड़ी मुश्किल से डाटा ढूंढ के लाता हूँ, अब टाइम निकालना पड़ता है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे और थोड़ा सा तो क्रेडिट देंगे ना। तो चलो फिर वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।